हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष यादव और आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज थोड़ा सा आप नोटिस कर पा रहे होंगे मेरी गाड़ी में ये चेंज लग रही है। इसकी स्किट पेट मैंने पेंट की है सिल्वर कलर में, ऐसी नहीं मिली थी मेरे को ओरिजिनली। और ट्राई एरोज भी मैंने पेंट किए हैं, हालांकि ट्राई नहीं है वो बाय एरोज ही किया हुआ है, बट वो भी पेंट किया मैंने सिल्वर पेंट से। तो इसके ऊपर पूरी वीडियो रहने वाली है, ये मैं पहले बता दूँ। यूट्यूब से मैंने देख देख के पेंट किया है, हाँ ये मैंने यूट्यूब से देख देख के पेंट किया है। और मेरा प्रोसेस था, मैंने टेपिंग करके इसको पेंट नहीं किया है, मैंने पूरा का पूरा बम्पर ही निकाल दिया था। बम्पर निकालने के बाद इसको पेंट किया है, क्योंकि इसमें ना मेरे को बम्पर नहीं निकालता तो टेपिंग वेपिंग होती, यहाँ पे मेरे को टेप वेप लगानी पड़ती जो भी, तो फिनिशिंग इतनी अच्छे से आ नहीं पाती। तो मैंने कि भाई फिनिशिंग अच्छे से आए, देखोगे तो नीचे भी मैंने पूरा ये पूरी स्किड प्लेट पूरी की पूरी पेंटेड है, तो कि भाई मेरे को फिनिशिंग थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी, तो मैंने पूरा बम्पर ही उतार दिया था। और कैलकुलेट करके देखा था मैंने टाइम, अगर टेपिंग करते और बम्पर निकालने में ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है, तो वो मेरे को ज़्यादा कन्वीनियंट लगा था, क्योंकि भाई वो ना 15-20 एक नट होंगे इसके अंदर, वो खोलो उतारो और अपना भाई पेंट वेंट कर दो। थोड़ी बहुत इसमें ट्रायरों में टेप मेरे को लगानी पड़ी थी, टेप और न्यूज़पेपर, बाकी और कुछ नहीं। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा कि भाई कैसे कैसे करना है। और हाँ एक और बात, अगर इसमें मैं ना और हाँ एक और बात, इस वीडियो में मैं इसकी बम्पर निकालने का प्रोसेस नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर भाई किसी को उसके ऊपर वीडियो चाहिए हो तो मैंने वो बनाई है पूरी वीडियो निकालने की भी और लगाने की भी, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं उसको भी डाल दूंगा अगर चाहिए हो तो, क्योंकि इसके अंदर ही जोड़ देता तो अराउंड 20 मिनट की वीडियो बन जाती, कोई सेंस नहीं था। और दूसरी चीज़ की इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये पेंट आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए और कैसा आउटपुट निकला है। पहले आप पूरा प्रोसेस देख के आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं इसके आउटपुट पे और लास्ट रिजल्ट्स पे। इसमें भाइयों देखोगे आप तो मैंने ये पेंट नहीं किया है, ये जो ये ग्लॉसी ब्लैक में इसका सीधे रखा है, क्योंकि मेरे को पर्सनली ये ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे थोड़ा ये इंडिकेटर दिया हुआ है, यहाँ फॉग लाइट और लगवाऊंगा आगे चल के मैं, और यहाँ पे ये और सिल्वर कर देता तो थोड़ा ज़्यादा भरा भरा सा लगता है ये पार्ट, इसलिए ही मैंने उसको सिल्वर नहीं किया है। बाकी अगर किसी भाई को करना हो तो जैसे बम्पर खोलोगे तो बम्पर अंदर से कुछ इस टाइप का दिखेगा, और यहाँ पे 5 नट्स दिए हुए हैं, इन 5 नट्स को खोल दोगे आप तो ये पूरा का पूरा पार्ट बाहर आ जाएगा उसमें, और ये भी सी भी वहाँ पे लॉक से लगा हुआ है, तो आप उसको भी बाहर निकाल के अलग से पेंट कर सकते हो जैसे बाकी दोनों चीज़ों का आप कर रहे हो। अगर किसी को करना हो तो वैसे कर सकता है, बाकी तो ठीक है, मेरे को तो ऐसी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है अपनी गाड़ी। बाकी चलो देख लो वीडियो। ये दो चीज़ें भाई जो हमें पेंट करनी है, एक तो ये स्किड प्लेट है और एक ये ट्रायरो की ग्रिल, ये दोनों करेंगे सुबह धोधा के। और बाकी ये हमारा पूरा का पूरा बम्पर आगे का, इसको साइड में रख देते हैं। नट्स भाई ध्यान से रख देना सारे के सारे, कोई खोखा ना जाए नहीं तो नुकसान हो जाएगा भारी। तो चलो मिलते हैं ऊपर उनको धोने के लिए। ये दोनों चीज़ें यूज़ करूँगा मैं पेंट करने के लिए, एक तो ये एरोसोल पेंट है बेसिक स्प्रे पेंट, ये 140 का पड़ा था मेरे को अपने हार्डवेयर की शॉप से, बाकी अगर किसी को लेना हो तो मैं लिंक डाल दूँगा नीचे अमेज़ॉन से। और ये एक मास्किंग टेप थी, ये 20 रुपये की पड़ी थी, और ये भी मेरी जब मैंने व्हील कवर्स अपने पेंट किए थे उस टाइम की है, तो अभी मेरे को खरीदने की ज़रूरत पड़ी नहीं। अगर किसी को व्हील कवर्स की वीडियो का भी लिंक चाहिए तो वो भी मैं ऊपर डाल दूँगा आई बटन में, जाके देख लेना, उनका तो बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं आई है। और इन दोनों के अलावा आपको न्यूज़पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी कुछ ट्रायरो ग्रिल को लपेटने के लिए, और इन दोनों के नीचे बिछाने के लिए कि कहीं पे दाग धब्बे ना पड़े ज़मीन पे। तो चलो करते चलो। तो भाइयों ये इसमें लेके आ गया हूँ इसको ऊपर, और यहाँ पे मैंने देख भी सकते हो टेपिंग कर दी है थोड़ी बहुत, अब बस ये मेरे को न्यूज़पेपर थोड़ा सा इसमें फंसाना है और उसके बाद सीधी पेंटिंग चालू कर दूंगा। धो भी लिया है मैंने इन दोनों को, धो लेना अच्छे से और ब्रश भी मार लेना थोड़ा बहुत कहीं पे मिट्टी विट्टी घुस रही हो तो, और बाकी करता हूँ इस पर चलो न्यूज़पेपर फंसाने का काम, देखते रहो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा सब कुछ।
से तो हो गया ही है। अब इसके अंदर जल्दी से ना ये पेंट है मेरे पास, ये पेंट है, इसको लगा रहा हूँ मैं, थोड़ी देर चल रहा है। और अगर हो सके तो प्राइमर भी लगा देना, इसके ऊपर प्लास्टिक प्राइमर आता है, मेरे को नहीं मिला तो मैं इसी को लगा रहा हूँ। अगर ये टाइम के साथ पील ऑफ हो जाएगा तो मैं बता दूंगा, और नहीं होता तो भैया बताए पता रहेगा आप सबको। ये भी थोड़ा सा हमारा हमने एक तरीके से प्राइमर का काम कर दिया है, बस फोड़ भी जा सकते थोड़ा सा, बिल्कुल भिगो जाइए अभी तो, इसके बाद ढंग से करेंगे इसको, थोड़ा सूख जाए ये, तब तक इस पर भी कर देते थोड़ा सा। इस स्प्रे को यूज़ करते टाइम थोड़ा सा अपना मुंह दूर रखना इसको, और थोड़ा दूर से ही इसको स्प्रे भी करना। बाकी इससे हम तीन कोट करेंगे, दो से तीन कोट, एक बेसिक थोड़ा थोड़ा मार दो कि प्राइमर तुम्हारे पास नहीं है तो पकड़ लो उसको सरफेस को, और उसके बाद उसके ऊपर एक अच्छे से कोट मार देंगे। सूखने के लिए 3-4 मिनट का टाइम मांगते हैं, पर 15 मिनट का दे रहा हूँ मैं उनको टाइम भी, कि 15 मिनट आराम से सूखे, और 15 मिनट के बाद फिर से एक कोट मारूँगा उसके ऊपर। तो वो ये 2-3 कोट रख लेंगे कि भाई ज़्यादा प्रॉब्लम ना है, अच्छे से बैठ जाए, फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। भाई भी सूख गया ये तो इसका मैं जल्दी से ये हटा देता हूँ सारा का सारा न्यूज पेपर, फिर दिखाते हैं आपको कि कैसा हुआ है, क्या क्या कुछ है रिजल्ट। भाई ग्रिल रेडी हो गई है, और थोड़ी सी सी परफेक्शन में हल्की सी बहुत प्रॉब्लम है, जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हो रहा है पेंट यहाँ थोड़ी थोड़ी जगह पे। तो इस पर क्या करूँगा मैं, ईयरबड लेके, तारपीन का तेल होता है या फिर मिट्टी का तेल लेके आप वहाँ पे रब कर सकते हो, वो हट जाएगा बिल्कुल, तो वो चीज़ कर दूंगा मैं इसके अंदर। और बाकी अब स्किड प्लेट को भी देख लेते हैं एक बार, उसके क्या हाल चाल है। ये भाई स्किड प्लेट भी हो गई है, और ये भी काफ़ी सही अच्छे से हो गई, ये बस यहाँ पे थोड़ा सा रगड़ लगी हुई थी गाड़ी के नीचे तो उसकी वजह से अजीब सा हो गया है, बट बाकी इसके अलावा तो सही है सब कुछ बढ़िया। ये देखो यहाँ पे ना मैंने उससे तारपीन के तेल से रब करके देखा था तो पेंट हट गया था, तो इसीलिए बताया था कि भाई अगर कहीं पे भी गलत सलत हो जाए तो उससे रब करके हटा सकते हो आप आराम से। तो अब इनको गाड़ी में लगा के फिर लगाने की दिखाता हूँ स्टेप्स। Thank you.
भाई जैसे कि आप पूरी वीडियो देख के आ चुके हो, उसके अंदर देख लिया पूरा का पूरा प्रोसेस क्या था इसका, इसको पेंट करने का, तो अब मैं आपको इसका फाइनल वो बता देता हूँ कि मेरे को क्वालिटी कैसी कैसी लग रही है और करना चाहिए। भाई क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है पेंट की, सच बताऊँ तो। देखो फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही है, फिनिशिंग में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक चीज़ है कि ना इसके अंदर ये पील ऑफ हो जाएगा पेंट बहुत आराम से। मैंने बताया भी था वीडियो में कि मैंने प्लास्टिक प्राइमर इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे को मिला नहीं था, और मैंने बम्पर खोल दिया तो फिर कोई मतलब नहीं था ढूंढने का। तो अगर भाई कोई भी पेंट करे तो प्लास्टिक प्राइमर लगा के इस पर पेंट कर लेना। और दूसरी चीज़ की जो ये ट्राई एरोज मैंने पेंट किए हैं, कोई भी करे भाई तो इनको ना ऐसे मत करना जैसे मैंने किया है, क्योंकि इसके अंदर पील ऑफ बहुत आराम से हो जाएगा। देखोगे तो ये ना यहाँ से बहुत आराम से पील ऑफ हो जाएगा। अगर ट्रायरों में पूरे पूरे करता तो उसके अंदर ये भी पूरा हो जाता, तो पील ऑफ होने की इतनी ज़्यादा जगह नहीं बचती उसके पास पेंट के पास, तो ये आराम से यहाँ से पील ऑफ हो सकता है, यहाँ से ये सब। तो वो चीज़ देख लेना भाई, अच्छा तो लगता है मेरे को तो पर्सनली, बट क्या फ़ायदा अगर पील ऑफ हो जाए। और दूसरी चीज़ भाई, अगर कोई भी बंदा मेरी वीडियो देख के सोच रहा है कि ये पेंट करना है, तो भाई एक महीने का टाइम दे दो मेरे को। अगर एक महीने तक ये पेंट नहीं उतरता है, बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, तो मैं बता दूंगा आपको, तो भाई कर लेना। और बाकी वीडियोज़ में भी मैं थोड़ा थोड़ा अपडेट देता रहूँगा अपने में कि कैसा चल रहा है अभी इसका। और अभी पीछे का भी मैं करने वाला था पहले तो, बट पीछे का नहीं किया है, पीछे का भी दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। पीछे का ये बुलगार्ड लगा हुआ है मेरे में, तो यहाँ पे टेपिंग से करूँगा, इसको निकाल के तो कर नहीं पाऊँगा मैं, तो बेसिक टेपिंग से करूँगा। अगर वो पेंट रुकता है तो ही करूँगा। और मैं बाकी ये मैंने इसके व्हील कवर्स पेंट किए थे, ये बहुत बढ़िया चल रहे हैं अभी, इसको पता नहीं 3-4 महीने होने वाले शायद से, तो इनसे मेरे को कोई शिकायत नहीं है, तो बहुत अच्छा पेंट हुआ है। सेम ही पेंट था, बस वो ब्लैक में था, सिल्वर में, बट ये सरफेस थोड़ा सा वैसे है कि चिपक नहीं पा रहा है वो ज़्यादा अच्छे से। तो वही ना कि बाहर हार्श कंडीशंस में रहना, कहीं पे भी थोड़ी बहुत रगड़ लगेगी तो हट जाएगा वहाँ से, और फिर वहाँ से पूरा पील ऑफ हो सकता है बहुत आराम से। तो थोड़ा सा रुक जाओ भाई, अगर किसी को जल्दी हो तो प्लास्टिक प्राइमर ढूंढ के अपना फिर पेंट कर लेना। बाकी मेरे को लुक ऐसे गाड़ी का अच्छा लग रहा है, देखता हूँ अगर ये उतर भी जाएगा तो भी मैं शॉप पे जाके फिर भाई से रीपेंट करवाऊँगा पूरे इसको, जैसे मैंने अभी कर रखा है वैसे ही। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके चले जाना भाई। ऐसे नहीं पसंद आई होगी तो यहाँ तक देखी नहीं होगी आपने। बाकी अगली किसी वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और शुभ रात्रि। चलिए।